सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। मेरा प्रिय संबोधन है समर्थ पूर्वजों के सामर्थ्यवान वंशज हम सब। आज का जो मेरा विषय है वो है वैश्विक रंगमंच पर सनातन स्वाभाविक हिंदू राष्ट्र भारत के महाशक्ति के रूप में पुनः उन्मेष की संभावनाएं नहीं निश्चितता, और ये निश्चितता मेरे जीवन काल में होगी। 62 की उम्र है, 90 तक जीऊंगी, इस 25 साल में ये घटना घटित होने जा रही है, जिसको हम नक्शे पर भारत दिखाते हैं वह गांधी और नेहरू के पाप का परिणाम 15 अगस्त 1947 के बाद का वो राज्य है जो मुसलमानों से इन लोगों ने बचाया। लेकिन 14 अगस्त 1947 का भारत, पाकिस्तान बांग्लादेश, 1920 का भारत, 1905 का भारत, अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, लेकिन चलिए 15 अगस्त 1947 के बाद का भारत। इस समय केवल 6 नेशन स्टेट हैं, राष्ट्र हैं, जो आकार में 15 अगस्त 1947 के भारत से बड़े हैं, और ये 6 अस्वाभाविक नेशन स्टेट हैं। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका तो नाम भी नहीं है, आज भी यूनाइटेड स्टेट्स किसी अमेरिगो नाम के आदमी पर, 19वीं शताब्दी में ये बना है, अस्वाभाविक राष्ट्र। कनाडा, पता नहीं क्या नाम धरा है, 19वीं-20वीं शताब्दी में नेशन स्टेट के रूप में आया है, बल्कि 20वीं में आया है, अस्वाभाविक। ब्राज़ील, संपूर्ण इतिहास दुनिया का उठा के देख लीजिए, इस नाम का कोई देश नहीं है, इन यूरोपियंस का बनाया हुआ है, अस्वाभाविक, स्वाभाविक लाइन। 3 चौथा ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली के बराबर आबादी है, पूरे कॉन्टिनेंट को एक नाम धर दिया जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, ये नेशन स्टेट के रूप में एक अस्वाभाविक नेशन स्टेट है जो 20वीं शताब्दी में आया है। फिर रसिया, जिसको भारत में ये गांधी नेहरू रूस कहते हैं, उनका नाम है रसिया, उनके लोगों को कहते थे रस, भाषा है रसियन। इसका जो एशिया में विस्तार दिखता है, ये विस्तार कब का है, 19वीं शताब्दी के अंत अंत और 20वीं शताब्दी का, और ये विस्तार क्यों है, इंडिया की खोज में, इंडिया की खोज में यूरोपियन चारों दिशा में गए, उत्तर गए, दक्षिण गए, पश्चिम गए, पूरब की तरफ ज़मीन था तो पूरब की तरफ ये रशियन बढ़े, और जिस जगह गए वो भारतीय क्षेत्र था, अभी मैं बता रही हूँ। तो ये 5वां अस्वाभाविक राष्ट्र जो 1990-91 में 15 या 16 टुकड़े में टूटा, अभी और टूटेगा। 6वां अस्वाभाविक राष्ट्र चीन। चीन का ये जो आकार है, तिब्बत तो हमारे 1947 के बाद नेहरू की जो भी संज्ञा देनी चाहिए कानून के तहत, उस नेहरू के कारण है, और जिसको चीन अपना झिंग झांग कहता है, जिसका चीनी भाषा में अर्थ है नया प्रांत, न्यू प्रोविंस, ये 1949 तक भारत है,
इसको पुनः नेहरू के कारण उसमें दिया गया, दो टुकड़ा कट गया, तिब्बत चीनी तुर्किस्तान या भारतीय तुर्किस्तान, अभी इस पर मैं आऊँगी। दो, तीसरा, चीन का जो दीवार बना था वो क्यों बना था? उत्तरी आक्रांताओं से अपनी रक्षा के लिए। और आज चीन का दीवार चीन के बीचों बीच है, चीन के उत्तर में मंगोलिया और मंचूरिया 1949 में चीन का हिस्सा बना। क्यों? क्योंकि चीन 700 साल तक कम से कम लगातार चंगेज़ खान से लेकर 1914 तक हूणों मंगोलों और मंगोलों मतलब मंगोलिया और मांचुओं यानी मंचूरिया इसका गुलाम है। तो 1914 तक जो मंगोलिया और मंचूरिया का गुलाम देश है वो 1949 में इस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र में हम नहीं जा रहे हैं। चार हिस्से, तिब्बत चीनी तुर्किस्तान झिंगझांग मंगोलिया मंचूरिया, ये चार तो 1949 के बाद की घटना है। एक और अस्वाभाविक राष्ट्र जो 20वीं शताब्दी में टूट रहा है, भारत। 15 अगस्त 1947 के बाद का जो भारत है उससे ये छह बड़े हैं। और 14 अगस्त 1947 का भारत, पाकिस्तान बांग्लादेश। 1922 में पहली बार अफगानिस्तान नाम का कोई नेशन स्टेट दिखाई दिया है। 1915 तक भारत मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका। 1905 का भारत और 1860 का भारत। 1860 में एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के रूप में जिसको जाना जाता है ग्रेट गेम, रशिया उधर से चला आ रहा है भारत के साथ व्यापार करने के लिए। 1860 30 20 40 में यहाँ बैठे हुए अंग्रेजों को लग रहा है कि रूस नीचे तक चला आएगा, ये अंग्रेज ऊपर तक जाना चाह रहे हैं और ये बीच का जो विशाल भूखंड है इसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है और ये विशाल भूखंड भारत है। अभी बताती हूँ कैसे। 1860 तक यहाँ पर समस्त इतिहास आप ढूंढ डालिए किसी एक देश का नाम नहीं सुनाई पड़ेगा। सर्वप्रथम आपको जो देश सुनाई पड़ेंगे 1991 के दिसंबर के बाद पांच हिंदुस्तान की तरह पांच और स्थान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे पांच स्थान हैं। ये हजारों साल से संस्कृत भाषा के क्षेत्र हैं। एक, और ये सब जो साक्ष्य मैं दे रही हूँ ये यूरोप और अमेरिका के लेखकों के साक्ष्य दे रही हूँ, भारतीय साक्ष्य एकदम अंत में दूंगी। यूरोप और अमेरिका के जो लोगों ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में लिखा, इसके पहले यूरोप में लेखन वेखन पढ़ाई पठन पाठन कुछ नहीं था। एक चीज़ बता दूँ, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ 1905 तक इंग्लैंड की राजधानी लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस में टट्टी की जाती थी कमरे के भीतर एक पात्र में। पात्र मिट्टी का नहीं होता था, कोई बाल्टी वाल्टी नुमा चीज़ होती थी और उस टट्टी को खिड़की से, ये दोनों राजधानी हैं, खिड़की से उलट दिया जाता था और सुअर चाट के उसको साफ करते थे। यूरोप के दो सबसे मजबूत देशों की राजधानी के 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये स्थिति थी। उस 1905 में ये समस्त क्षेत्र भारत है। तो जो विद्या वाली बात कही, 19वीं 20वीं शताब्दी में यूरोप वालों ने थोड़ा लिखना पढ़ना शुरू किया है तो वो कह रहे हैं ये समस्त क्षेत्र संस्कृत भाषी क्षेत्र है। टोएनबी का कथन है 20,000 साल से। किस आधार पर कहा कथन? ये जो आर्कियोलॉजिकल
खुदाई है, ये पूरा इलाका रेगिस्तानी है, ठंडा रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है, बालू के नीचे से हजारों की संख्या में संस्कृत भाषा के ग्रंथ मिले हैं। कब? लेट 19th century और अर्ली 20th century में। ये पूरा इलाका, हम लोग तो सोचते हैं ये कोई मुसलमानों का इलाका है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश 10 प्रहर धारिणी दुर्गा सरस्वती गणेश गंगा को पूजने वाले भरत वंशियों का इलाका है। ये कौन कह रहा है? ये रूसी जापानी जर्मन एक्सकवेशन में निकले हुए सामान के अध्ययन करने वाले कह रहे हैं। यहाँ से जो प्रतिमाएं मिली हैं, जो भित्ति चित्र मिले हैं, अजंता का चित्र का फोटो रख लो सामने, इस इलाके का रख लो, आप फर्क ही नहीं कर पाओगे अजंता का है कि हमारे भारत का है। अब कुछ नाम बोल रही हूँ, गांधार की गांधारी किसका देश है? भारत। बाल्लीक, समरकंद, कुस्तून, बिहार का बुखारा, फरगना, खुरासान, ये किसके अंग हैं? भारत के। अब 2-3 भारतीय प्रमाण दे रही हूँ, महाभारत, रामायण, रामायण वाल्मीकि कृत रामायण में जब सुग्रीव दिशा निर्देश करते हैं वानरों को कौन किस दिशा में जाए, तो उत्तर दिशा में जाने वाले वानरों को जो पूरा स्थान बताए हैं उसको पढ़ लीजिए। फिर आ जाइए महाभारत में, महाभारत में संजय और धृतराष्ट्र का संवाद है भीष्म पर्व में। वो पूछते हैं धृतराष्ट्र कि संजय तुम बताओ भारत के कौन, भारत का विस्तार से तुम वर्णन करो। तब 250 जनपद बताते हैं जिसमें है, जो प्रमुख राज्य बता रहे हैं, उत्तर पश्चिम में बाल्लीक, परम काम्बोज, काम्बोज, शक, यवन, मत्स्य, खस, उत्तर कुरु, उत्तर मद्र, और उत्तरी राज्यों में है कश्मीर, काम्बोज, दरद, पारद, पारसीक, तुसार, हूण, चीन, ऋचिक, हर हूण। चीन महाभारत में भारत का अंग है। चीन का चीन नाम केवल भारतीयों का दिया हुआ है। 19वीं शताब्दी तक यूरोप चीन को कैथे नाम से जानता है और 15वीं शताब्दी तक इंडीज नाम से जानता है। चीन को किस नाम से जानता है? इंडीज। मार्को पोलो जब चला है, कुबलाई खान, कुबलाई हाथी याद आ रहा है, कुबलाई हाथी, कुबलाई खान के पास जब चीन चला है यूरोप के किसी राजा का पत्र लेके, तो लिखा है कुबलाई खान, ये सनातनी राजा है कुबलाई खान, एवं अन्य भारतीय राजाओं को, यानी कुबलाई खान जो चीन का राजा है उसको यूरोप क्या जानता है? भारत का राजा। भारत का आज भी नाम झांगझुंग है कुछ, जिसका अर्थ होता है सेंट्रल किंगडम। चीन नाम केवल और केवल भारत का दिया हुआ है, जिससे 20वीं शताब्दी में दुनिया उसको चीन नाम से जानती है। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो, सनातन